वो ट्विटर देख रहे होते हैं। वालेकुम अस्सलाम। रिकॉर्डिंग हो रही है? जी रिकॉर्डिंग हो रही है। कसम से? हाँ हाँ। तो, अच्छा तो फिर तो कुर्सी लाओ यार। आप इधर क्या कर रहे जनाब? भाई हद हो गई है। मैं पूछा उन्होंने कहा साहब थर्ड फ्लोर पे हैं, और पता नहीं कितना 7 साल हो गए हैं जरगा में बुलाया नहीं आपने। तो मैंने तो जरगा संजीदा प्रोग्राम है। अच्छा जियो मिजाइया चैनल है जिसमें मैं हूँ। वेरी गुड। तो मैं तो उसी की फरियाद अभी कर रहा था ना कि भाई ये मसला बलूचिस्तान को या उसको के बैठ के करते हैं यार। खुदा की मैंने आपको जरगा संजीदा प्रोग्राम में चार पठान बैठे हो जालिमों, खुदा का खौफ करो। तो हम पुख्तनख्वा को डिस्कस कर रहे हैं इसलिए चार पठान। कितना बुक्स है इमरान? कितना कितना? कोई इसके अलावा कोई एजेंडा है? बैठ। अच्छा यार आपका सारा दिन चैनलों पर बैठे होते हैं, कोई और काम होता है? वो मुझे दे दे, मैं बैठना चाहता हूँ। यार भट्टी साहब आप जियो के स्क्रीन पे आप बैठे होते हैं, शाम को कोई चैनल ऐसा अच्छा, नहीं होता। अच्छा सवाल मैं कर लूंगा ना, आज कुर्सी लाओ यार। भट्टी साहब मैंने बताया एक तो जरगा संजीदा प्रोग्राम है, ठीक है देखते लाओ लाओ जा जल्दी लाओ यार। खैबर पख्तूनख्वा का इशू डिस्कस हो रहा है इसलिए मैंने खैबर लाओ लाओ यार हाथों के लेकर लेकर जल्दी लाओ यार हाथों यार। भट्टी खुदा के लिए मैंने आपको कभी मैंने जरगा में इसलिए नहीं बुलाया कि जरगा संजीदा प्रोग्राम संजीदगी आपके लोगों पे आ गई है तो मैं तो फिर गाड़ी चला। अच्छा ये आप चारों नहीं, तो आपका बस नहीं, आप अच्छा ये सैर नहीं होते। अच्छा, आप चारों इस वजह से रोजाना आप संजीदा लोगे। संजीदा और अच्छा दुनिया से राय तो पूछो अपने बारे में। अच्छा, अपने बारे में राय पूछो। जरगा लगता है माँ बच्चों को लेके आ जाती है, हंस हंस के पागल। ये तो आप मानते हैं ना कि ये संजीदा प्रोग्राम है इसलिए इसमें मैंने कभी आपको नहीं बुलाया। प्रोग्राम ही नहीं हाथ धो गई वो तो आपने इसलिए नहीं बुलाया कि आप जाहिर नहीं बुलाया। आज बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का।